हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। तो अभी कढ़ाई बिठा दिया, तो कढ़ाई ना हल्का सा गरम करके मैंने जीरा डाल दिया। तो जीरा हल्का सा भूनूंगी। तो सब्जी बनाने के लिए मैं हमेशा जीरा, पिसा हुआ जीरा डालती हूँ। तो आज घर पर पिसा हुआ जीरा नहीं था, तो अभी मैं घर पे ऐसी थोड़ा अभी बना ले रही हूँ और बाद में मैं ज़्यादा करके बना के रखूँगी। तो जैसे कि अभी सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो उसके लिए तेल मैंने डाल दिया। तो तेल हल्का सा डाला है अभी, और तेल गर्म होगा तो उसमें थोड़ा सा बड़ी डाल दिया। तो जो बड़ी ना कम तेल में ही मैं भूनती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने तेल बड़ी को लाल लाल भून लिया। तो निकाल लेती हूँ। तो कढ़ाई में से निकाल लिया और दोबारा तेल डाल दूँगी। तो जैसे कि अभी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ ना, तो हमेशा मैं पिसा हुआ जीरा डालती हूँ। तो आज नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पिसा भून लिया जीरा। तो कढ़ाई में अभी तेल डाल दिया। तेल गरम करके फिर मैंने जीरा और मिर्च डाल दिया। तो हल्का सा भून गया। तो उसी में मैंने लौकी डाल दिया। तो लौकी हल्का सा भून लूँगी। तो इसमें मैंने लौकी भून लिया और हल्दी डाल दिया, और इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालूँगी। और मिर्च तो थोड़ा सा हरी वाली मिर्च डाली हूँ, और ऊपर से हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। तो सब्जी धीमे आँच पे पका रही हूँ, और पकाते पक गया था और अच्छे से भून भी गया था। उसके बाद मैं पानी डाल दिया। तो इसमें ज़्यादा मैंने पानी डाला नहीं, क्योंकि लौकी का सब्जी है और लौकी में पानी होता है, तो इसलिए कम ही पानी डाला है मैंने। तो हल्का सा पानी गर्म हो गया, मतलब सब्जी मतलब गर्म हो गया। तो इसी में मैंने बड़ी डाल दिया है। तब थोड़ा सा मिला के इसमें नमक भी डाल दिया था मैंने, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी। तो ढकने के बाद कुछ इस तरह से सब्जी बना है मेरा, लौकी की सब्जी, जो चावल के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये पिसा हुआ जीरा ऊपर से डाल देती हूँ, और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया। तो सब्जी निकल के मैं कढ़ाई धो लेती हूँ। उसके बाद ना मखाना रखा हुआ था घर पे, तो हल्का सा इसको इसको फ्राई करके, फ्राई नहीं भून के मैं डिब्बा भर के रख देती हूँ, ताकि देवांश को जैसे शाम को भूख लगती है तो हम खा लेते हैं। तो कढ़ाई गरम होने के बाद ही मैं ऐसी खाली कढ़ाई में ही मखाना डाल दिया था, और हल्का सा मतलब भूनने के बाद ही मैंने घी डाला है। अगर कढ़ाई में अगर घी डालेंगे तो पूरा कढ़ाई में मतलब वो धुआं बन के उड़ जाता है ना, इसलिए मैंने कढ़ाई में घी नहीं डाला था, उसके बाद ही डाली हूँ। और इसके बाद मैंने हल्का सा काला नमक भी डाल दिया ऊपर से। तो इसी तरह से मखाना भून के मैं ठंडा करके फिर डिब्बे में भर के रखती हूँ, और देवांश को मैं बना के दे रही हूँ ओट्स। तो ओट्स बनाने के लिए पहले मैंने गर्म पानी कर लिया था। तो पानी गर्म होने के बाद ही मैंने ओट्स, एक पैकेट ओट्स मैंने इसमें डाल दिया, और पक जाएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी। तो ज़्यादा गाढ़ा वाला नहीं बनाऊँगी, हल्का पतला वाला बनाऊँगी, जो देवांश को पसंद है। वो गाढ़ा वाला नहीं खाना चाहता है। तो कुछ इस तरह से बनाया मैंने ओट्स। इसमें खाली नमक ही डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। तो दो तीन बार उबल गया है और बन गया है। तो अब किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो अभी आँच बिल्कुल कम करके रखा है, और कुछ इस तरह से है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, ये है। तो फिर उसी फ्राई पैन में मैंने हल्का सा धो के फिर दो अंडा उबल लिया है। तो मैं इसके नाश्ते में ओट्स और दो अंडा दे दूँगी।
तो जैसे कि थोड़ा सा पानी गर्म हो गया था तो इसी में मैंने दो अंडा दे दिया था, तो अंडा उबल गया है तो थोड़ी देर के लिए मैं इसमें छोड़ दूँगी। तो मैंने देवांश को दे दिया और इधर ना कढ़ाई फिर से मैंने धो के फिर तेल गरम करके और ये परमल बना रही हूँ। तो परमल में पहले नमक और हल्दी मिक्स कर लिया और तेल में एक एक करके ऐसे दे रही हूँ। परमल की सब्जी भी बनती है, भरपा भी बनाते हैं और ऐसी सिंपल वाला भुजिया भी बनाते हैं। तो जो मैं सिंपल वाला बना रही हूँ उसमें हरी मिर्च बाद में डालूँगी, अभी नहीं। तो हर ऐसी मतलब पहले तेज आंच रखा था, अब धीमे कर दिया आंच और ऐसे पलट लूँगी। तो कुछ इस तरह से भून गया है। ये बिना मसाला का मैं बना रही हूँ, हल्दी और नमक डाल के। अब थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रख दिया और उस साइड मैंने चावल भी बिठा दिया। तो कुछ इस तरह से बना है परमल की भाजी। तो दोनों तरफ से पक गया था तो मैंने मिला लिया। तो एक तरफ मेरा चावल भी बन रहा है, एक तरफ परमल की भाजी भी बन रहा है। तो फ्रेंड मेरा अभी परमल का भाजी बन गया और इसको निकाल लूँगी किसी बर्तन में, तब तक चावल भी बनता रहेगा। बाकी काम हो गया किचन का, क्योंकि मैं कढ़ाई भी धो रही थी, बाकी बर्तन भी साथ साथ धो रही थी। अब बस गैस चूल्हा साफ़ करना है, चावल बनने के बाद ही गैस चूल्हा साफ़ करूँगी। तो धीमे आज करके मैं अलग पलट कर रही हूँ कि ताकि अच्छे से मेरा परमल बन जाए, पक जाए। तो फ्रेंड आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।